शिवपुरी के ग्राम हथेड़ा की रहने वाली महिला ने आज एसपी से ससुरालियों के खिलाफ दहेज मांगने और मारपीट की शिकायत दर्ज करवाई है। महिला ने बताया कि उसके पति सहित सास ससुर आए दिन दहेज की मांग करते हैं और मारपीट करते हैं। जानकारी के मुताबिक रानी पत्नी जगदीश निवासी ग्राम हथेड़ा तहसील नरवर ने एसपी को दिए आवेदन में बताया कि 16 जून 2019 को उसकी शादी ग्वालियर के ग्राम जखारा के रहने वाले जगदीश के साथ हुई थी। 4-5 महीने सब कुछ ठीक चला, लेकिन उसके बाद ससुर आशाराम जेठ सोबरन सहित पति जगदीश 5 लाख की मांग करने लगे। जब रानी ने इसका विरोध किया तो उसके साथ गाली गलौज कर उसकी मारपीट करने लगे, साथ ही मानसिक प्रताड़ना और शारीरिक रूप से प्रताड़ित करने लगे। महिला ने बताया कि उसके बाद पति जगदीश मुझे मेरे मामा के यहाँ ग्राम चिना तहसील सिहोरा जिला दतिया छोड़ गए। उसके बाद मुझे 2 माह बाद पति जगदीश ग्राम जखारा मुरार जिला ग्वालियर ले गए, जहाँ उसकी मारपीट की और कहा कि 5 लाख रुपए लेकर आओ। उसकी शिकायत महिला ने संबंधित थाने में दर्ज कराई थी, लेकिन उसकी सुनवाई नहीं हुई। महिला 5 जुलाई को जखारा गई, लेकिन महिला की सास जेठ पति के द्वारा मारपीट कर दी गई। इसके बाद महिला अपने मायके आ गई। वहीं महिला ने आज एसपी को आवेदन देकर न्याय की गुहार लगाई है। क्या नाम है तुम्हारा? रानी। पूरा नाम क्या? रानी रजक। कहाँ से आई? हथेड़ा से। ये कहाँ पड़ता है? ये पड़ता है सीहोर के पास में। सीहोर के पास क्या समस्या लेके आए? ये समस्या लेके आए, मेरा पति मुझे रखना नहीं चाहता। क्यों नहीं रखना चाहता, क्या वजह है? क्योंकि उसकी भाभी है ना, जो वो चाहती है कि मुझे छोड़ दे और उसका भैया। ये कब से आपको ये समस्या आ रही है? ये समस्या तो मुझे शादी से उन्हें 6 महीने रखा होगा, और ले जाते हैं वो छोड़ जाते हैं, फिर लेने भी नहीं आते। आपकी शादी कब हुई थी? 2019 में। ये आपको परेशान क्यों कर रहा है, किस वजह को लेकर? दहेज के लिए, दहेज की मांग कर रहे हैं, 5 लाख रुपए मांग रहे हैं मुझसे। अब आपने इसकी शिकायत आपने थाने पे की थी? हाँ, थाने पे की थी, पर थाने पे कोई सुनवाई नहीं की उन्होंने हमारी। अब जैसे आप यहाँ आए तो क्या आश्वासन आपको? यहाँ आवेदन दे दिया हमने, अब देखो कुछ न कुछ तो कार्रवाई होगी। क्या चाहते हो आप? क्या चाहते हो? हम ये चाहते कि उनके खिलाफ कार्रवाई हो, बस ये चाहते। अभी आप कहाँ रह रहे हो? अभी हम अपने पापा के घर रह रहे हैं, अपने मायके में। हमें हो गए 6-7 महीने हो गए। हाँ।